हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स फूड टाइम। आज आप सभी के साथ एक स्पेशल कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस रेसिपी के लिए 3 मीडियम साइज आलू का यूज कर रही हूँ, उसे ग्रेट करेंगे पहले। इस कबाब को बनाने के लिए 300 ग्राम मीट का यूज कर रही हूँ। आप लोग मटन का भी यूज कर सकते हो, बीफ का भी यूज कर सकते हो। ये आलू जो मैंने ग्रेट किया था, अब इसका पानी निकाल कर इसमें डालेंगे। एक मीडियम साइज प्याज को भी ग्रेट करूंगी, इसका भी पानी निकाल देंगे। इसमें 1/4 कप चॉप्ड हरा धनिया जाएगा। 2 ग्रीन चिलीज को मैंने कट कर लिया है, इसे भी डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। बता, अगर आप लोग स्पाइसी कम चाहते हो तो कम डाल दीजिएगा। 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इसमें नमक सॉल्ट 2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। बाइंडिंग के लिए 1 अंडे का यूज़ कर रही हूँ मैं, एंड साथ में बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ब्रेड क्रम्स का यूज़ कर रही हूँ, 4 to 5 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब आप कबाब्स को डीप फ्राई करेंगे तो ऑयल की टेम्परेचर मीडियम टू हाई हो, थोड़ा सा ये गर्म होना चाहिए। उसके बाद जब कबाब को डालेंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम करेंगे ताकि ये अंदर से पके। जब कबाब थोड़ा सा पक जाएगा, ये खुद ही ऊपर आ जाएगा ऑयल के ऊपर।